Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ASDP सेकेंड ईयर में जो मेडिसिन सब्जेक्ट है उसके सेकेंड सेमेस्टर में एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसे हम प्रोडक्शन डिजीज़ भी बोल सकते हैं, उसका नाम है मैस्टाइटिस। तो मैस्टाइटिस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो ये मैस्टाइटिस डिजीज़ होती है ये होती क्या है, ये मैस्टाइटिस जो है ये क्या होता है कि पशु के ब्याने के बाद उसके पशु का जो अल्डर होता है यानी कि मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, स्तन ग्रंथियाँ होती है, उनके जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें सूजन का आ जाना ही क्या होता है, मैस्टाइटिस कहलाता है। तो हम मैस्टाइटिस की डेफिनेशन देखेंगे एक बार। तो मैस्टाइटिस किसे बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड्स के टिश्यूज़ में सूजन का आ जाना क्या कहलाता है, मैस्टाइटिस कहलाता है। ठीक है, अभी मैस्टाइटिस के होस्ट होते हैं यानी कि मैस्टाइटिस होता किन किन पशुओं का है। तो मैस्टाइटिस हमारे मुख्य रूप से ज़्यादातर गाय भैंस भेड़ बकरियों को होता है। तो अब जो इसके होस्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे, होस्ट गाय भैंस भेड़ और बकरी, ये क्या होंगे होस्ट जिनको ये रोग आसानी से हो जाता है। ये रोग होता किन किन को है, एक तो जो संकर नस्ल की गाय होती है, हाइब्रिड संकर नस्ल की गायों को होता है एक तो, और एक विदेशी नस्ल की गायों को भी होता है। यह मैस्टाइटिस है ये ब्याने से पहले भी हो सकता है और ब्याने के बाद भी। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि जिस पार्चुरेशन में आरोपी यानी कि जेर अंदर अटक जाती है उसमें भी हो जाता है, आरोपी वाले केस में भी हो जाता है। पशु को ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार खाने से भी हो जाता है। प्रोटीन युक्त आहार खाने से भी ये रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो संकर नस्ल की गाय हो गई, विदेशी हो गई, ब्याने से पहले ब्याने से बाद, आरोपी के केस में भी हो गई, प्रोटीन युक्त आहार खाने से भी हो गई। तो ये क्या हो गए, इसके किस कारण से ये होती है मैस्टाइटिस डिजीज, उसके ये कारण हो गए। ठीक है, आगे हम इसकी इटियोलॉजी के बारे में पढ़ें। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स इटियोलॉजी, ईटियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे मैस्टाइटिस में कि ईटियोलॉजी। एक तो क्या होता है कि पशु के जैसे कि कोई घाव हो जाए, घाव से पशु को कोई चोट लग जाए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जैसे कि पशु को हम गंदगी वंदगी में बांध देते हैं उसे मैस्टाइटिस हो जाता है, गंदगी में बांधने से। और क्या होता है कि ये ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कैसे होता है, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, माइकोबैक्टीरियम है, लेप्टोस्पायरोसिस है,
ये क्या हो गए, बैक्टीरिया हो गए। एक होता है कॉर्नी बैक्टीरियम। जब इस बैक्टीरिया से होता है तो क्या होता है कि जो दूध होता है वो नीले रंग का आता है या नील रंग का हो जाता है दूध। दूध कैसा हो जाता है, नील रंग का हो जाता है। और इस मैस्टाइटिस को समर मैस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस मैस्टाइटिस में होता क्या है कि जो टिश्यूज़ होते हैं उनका फाइब्रोसिस हो जाता है, और टिश्यूज़ का फाइब्रोसिस होने से गांठें बनना शुरू हो जाती है। गांठें बनने से जो अडर है वो छोटे हो जाते हैं, और अडर छोटे होने की वजह से दूध आना बंद हो जाता है। दूसरा ज़्यादातर क्या होता है कि जो मैस्टाइटिस है वो एक तो लंबे थन वाले पशु होते हैं उनको होता है, लंबे थन वाले पशु होता है, अधिक दूध देने वाले पशुओं में होता है। जो अधिक मात्रा में दूध देते हैं ना उन पशुओं को भी रोग होता है। ठीक है, ये मैस्टाइटिस का ये हो गया। तो ये मैस्टाइटिस की इटियोलॉजी हो गई, घाव से, चोट से, गंदगी में बांधने से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस है और माइकोबैक्टीरियम है, लेप्टोस्पायरस है, कॉर्निबैक्टीरियम है। इसमें क्या होता है कि दूध का जो रंग होता है वो नीले रंग का हो जाता है, नीले रंग का दूध आने लग जाता है, जिसे समर मैस्टाइटिस के नाम से भी हम जानते हैं। आगे हम इसके मैस्टाइटिस के सिम्टम्स पढ़ने से पहले हम नोट डालकर कुछ लिखेंगे, तो नोट डालकर लिखेंगे तो हम इसमें एक तो क्या होता है जो मैस्टाइटिस से जो संक्रमित पशु होता है, और अगर उस संक्रमित पशु का अगर हम दूध पीते हैं तो उससे टीबी व ब्रुसेलोसिस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, ब्रुसेलोसिस डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है मैस्टाइटिस से इन्फेक्टेड पशु का दूध पीने से। अभी जो मैस्टाइटिस है इसका डायग्नोसिस किस तरह से होता है, मैस्टाइटिस का जो डायग्नोसिस है इसमें एक तो क्या होता है कि स्ट्रिप कप होता है जिसमें शुरुआती दूध की धार ली जाती है, स्ट्रिप कप टेस्ट। कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट जिसे CMT बोलते हैं, CMT। और तीसरा क्या होता है, pH डिटेक्शन। pH डिटेक्शन इसमें क्या होता है, जो दूध होता है उसमें क्लोराइड आयंस की मात्रा बढ़ जाती है। pH डिटेक्शन में क्या होता है, pH बढ़ जाती है, और pH में भी क्या, जो क्लोराइड आयंस होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। ये तो हो गया आज का हमारा डायग्नोसिस कंप्लीट। इसमें क्या होता है कि तो मैस्टाइटिस से इन्फेक्टेड जो पशु होता है उसका अगर हम दूध पीते हैं तो इसमें ट्यूबरक्लोसिस, टीबी और ब्रुसेलोसिस रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं मनुष्य में। और इसका जो डायग्नोसिस होता है वो किस प्रकार से होता है, इसमें डायग्नोसिस में तो होता है स्ट्रिप कप टेस्ट, यानी कि जो शुरुआत की जो पशु के दूध की जो धाराएं होती हैं उनको स्ट्रिप कप में लेके उनका टेस्ट करवाया जाता है। एक होता है कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट जिसे CMT के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा होता है pH डिटेक्शन। pH डिटेक्शन में क्या होता है कि जो pH है उसकी, दूध की जो pH है वो बढ़ जाती है, और उसमें भी क्या होता है क्लोराइड आयंस की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये हमारा डायग्नोसिस कंप्लीट हो गया। अब अगर हम आगे इनमें पढ़ेंगे सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट्स हम इसके जो मैस्टाइटिस उसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसके जो मैस्टाइटिस के सिम्टम्स हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें होता क्या है जो मैस्टाइटिस के सिम्टम्स हैं उसमें तो क्या होता है, सबसे पहले जो पशु का जो दूध होता है उसमें ब्लड वेपस आने लग जाता है, यानी कि रक्त व मवाद आने लग जाती है। दूसरा क्या होता है कि जो पशु का जो दूध है उसमें छीछड़ व कतरे आने लग जाते हैं। तीसरा क्या होता है कि जब पशु के जो स्टार्टिंग स्टेज होती है मैस्टाइटिस की, यानी कि एक्यूट फॉर्म होती है, उसमें क्या होता है कि पशु के गर्म
कठोर गर्म में वह पीड़ायुक्त सूजन आती है और जो अडर है वो सूज जाता है और वहाँ पे असहनीय दर्द होना स्टार्ट हो जाता है पशु को। लेकिन अगर क्रोनिक मैस्टाइटिस है यानी कि मैस्टाइटिस लंबे समय से होता आ रहा है तो उसमें क्या होता है कि अडर है वो कठोर हो जाता है एवं उसमें भी थोड़ी बहुत सूजन रहती है। साथ ही साथ जब लंबे समय से जैसे क्रोनिक मैस्टाइटिस हो जाता है तो उसमें क्या होता है जो टिश्यूज़ होते हैं उनका फाइब्रोसिस होने लग जाता है। फाइब्रोसिस होने के कारण जो पशु का जो अडर है उनमें गांठें बनने लग जाती हैं। गांठें बनने के कारण दूध आना कम हो जाता है एवं दूध आना बंद हो जाता है जिस कारण जो टीट्स होते हैं यानी कि जो थन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि जो मैस्टाइटिस में पशु को एकदम से तेज बुखार होने लग जाता है, पशु की जो श्वसन दर है वो बढ़ने लग जाती है, पशु की जो हार्ट बीट रेट है वो बढ़ने लग जाती है। तो ये क्या हो गए मैस्टाइटिस के सिम्टम्स हो गए। एक तो इसमें क्या होता है कि गांठें बनने लग जाती हैं अडर में, सूजन आती है स्टार्टिंग में तो गर्म एवं नरम सूजन आती है जिसमें दर्द एवं सूजन होती है, पशु के जो दर्द महसूस होता है सूजन महसूस होती है अडर पे। लेकिन जब वो पुरानी होती है तो वो सूजन कठोर हो जाती है लेकिन उसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन उसमें दूध आना बंद हो जाता है और पशु का जो अडर है उसमें गांठें पड़ जाती हैं, ठीक है क्रोनिक मैस्टाइटिस में। तो ये हो गए आज हमारे मैस्टाइटिस के सिम्टम्स। आगे हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि जो मैस्टाइटिस का ट्रीटमेंट है वो किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले पशु को क्या करेंगे, एंटीबायोटिक ढक देंगे। सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट की, तो इसमें एंटीबायोटिक जो ड्रग है उसमें तो कोई भी जैसे कि सेफ्ट्रिक्सोन है ना, और एमोक्सिलिन है, एमोक्सिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स हो गई, ये तो एंटीबायोटिक हो गई इसकी, ठीक है इंजेक्शन के दे सकते हैं हम। दूसरा क्या होगा, जो अडर होता है उसका जो फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोसिस कम करने के लिए क्या करेंगे, इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन दे देंगे। और जैसे कि जो अडर में जो है ना प्रेडनिसोलोन की ट्यूब डाल देंगे। दूसरा क्या होगा कि जो अगर फिर भी अगर पशु के फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो इंजेक्शन AD3 इंजेक्शन दे देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, लास्ट में अगर फिर भी पशु के आराम नहीं आ रहा है तो कॉपर सल्फेट का 5% सोल्यूशन व सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का 3% का जो सोल्यूशन होता है वो ट्यूब जो सोल्यूशन है वो ट्यूब के माध्यम से पशु के टीट्स में डाल देंगे, ठीक है। आज का ये हमारा मैस्टाइटिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो आपको नए नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। हमें फेसबुक पेज पे फॉलो करें, शेयर करें एंड लाइक करें, क्योंकि हमारे जो सारे के सारे जो अपडेट्स हैं नोटिफिकेशन है वो आपको फेसबुक पेज में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।